माँ मरियम के महीने के आज 30वां दिन हमारे मनन चिंतन का विषय है धन्य कुंवारी मरियम के निर्मल हृदय की माला। रोजरी जप माला व प्रार्थना है जिसके द्वारा हम प्रभुवर येसु एवं माँ मरियम के जीवन के मुख्य रहस्यों पर ध्यान मनन करते हैं। यह प्रार्थना सबके लिए है। रोजरी माला एक सरल साधना है जो माँ मरियम को प्रिय है तथा वह अनुरोध करती है कि प्रतिदिन रोजरी माला का जप किया जाए। संत पापा भी इस साधना को प्रोत्साहन देते हैं और इस प्रार्थना के लिए उन्होंने दंड मोचन भी प्रदान किया है। रोजरी माला का जप करना कलीसिया, समाज, परिवार एवं प्रत्येक व्यक्ति पर ईश्वर की आशीषों की वर्षा करती है। यह हमारे जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति करती पावन साधना के रूप में उपयोगी है तथा मृत्यु के समय हमें सांत्वना प्रदान करती है। हमें संपूर्ण रोजरी हर दिन करने की कोशिश करनी चाहिए। संपूर्ण पवित्र रोजरी मतलब सभी भेदों को, आनंद, ज्योति, दुख और महिमा के भेदों को हर दिन बोलकर मनन करना, क्योंकि इनके द्वारा हम प्रभु येसु के जीवन के सहभागी होते हैं। यदि संभव नहीं हो रहा है तो कम से कम एक भेद, यानी उस दिन के जो भेद हैं, आनंद का हो, दुख का हो, ज्योति के हो या महिमा के हो, उन पर कम से कम मनन करना अनिवार्य है। हम रोजरी माला सदैव अपने साथ रखें और उत्साहपूर्वक हम उसको जपते हुए माला विंदी का प्रचार भी करें। प्रत्येक रहस्य पर ध्यान मनन करें। इस पर हम इसके पहले भी बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं, हमारे चैनल में वो भी उपलब्ध हैं। पवित्रता प्राप्त करने के लिए माला जप की प्रार्थना करें तथा अपने प्रेरित कार्य के लिए ईश्वर की आशीष भी मांगे। रोजरी विंदी के लिए पूर्ण दंड मोचन प्रदान किया गया है जिससे वे प्राप्त कर सकते हैं, जो माला के सभी रहस्यों को बिना कम किए बोलते हैं, यानी चारों रहस्यों पर मनन करते हुए प्रार्थना करना, यानी आनंद के भेद, ज्योति के भेद, दुख के भेद और महिमा के भेदों पर बिना कम किए जब हम इनकी मनन करते हुए प्रार्थना करते हैं हमें पूर्ण दंड मोचन मिलता है। यह रोजरी विंदी गिरिजागर, सार्वजनिक स्थान, परिवार के साथ अथवा किसी धार्मिक स्थान में की जा सकती है। इसके लिए कोई रूपरेखा नहीं, मतलब कहीं भी आप यह प्रार्थना कर सकते हैं। मां मरियम ने 13 अक्टूबर 1917 को फातिमा में अपने दिव्य संदेश में लूसी के प्रश्न के उत्तर में कहा था, मैं पवित्र माला की देवी हूं, और उसने अनुरोध किया कि प्रतिदिन पवित्र रोजरी विंदी किया जाए। उसके बाद सुदूर अंतरिक्ष में एक के बाद एक लगातार 3 सुंदर दृश्य दिखाई दिए। जैसे पहले दृश्य में वे 3 बच्चे, लूसी जो 9 साल की थी, फ्रांसिस जो 8 साल का था और जसिंदा जो 6 साल की थी, पवित्र परिवार के 3 सदस्यों को देखते हैं, सफेद पोशाक और पीली चादर धारण किए हमारी मां मरियम और उसकी बाई ओर लाल परिधान धारण किए हुए संत योसेफ और उनके साथ जगत को आशीर्वाद देते हुए बालक येसु। दूसरे दृश्य में लूसी देखती है हमारे दिव्य प्रभु को जो बड़े प्यार से जगत को आशीर्वाद दे रहे थे और उसकी बाई ओर हमारी 7 दुखों की माता। तीसरे दृश्य में लूसी ने देखा मंगलमयी कुंवारी को जो स्वर्ग की रानी के रूप में मुकुट धारण किए हुई थी। निसंदेह हमारी मां मरियम ने पवित्र परिवार सहित
फिर दुखों की माता के रूप में तथा मुकुट धारण की हुई स्वर्ग की रानी के रूप में प्रकट होकर श्रद्धालु जन के मन पर और भी गहराई से हमारी रोजरी की देवी के पद को अंकित करना चाहता था। पहले दृश्य में माला के आनंदमय रहस्यों का प्रकटीकरण था, तो दूसरे दृश्य में दुख के रहस्यों का प्रकटीकरण और तीसरे दृश्य में माला के महिमा में रहस्यों का झलक वहां हम देखते हैं। मां मरियम के इस दिव्य संदेश को हम दिल से अपनाने का प्रयास करें तथा ईश्वर द्वारा दी गई कृपाओं के भंडार का सदुपयोग कर आध्यात्मिक लाभ उठाए। माला बिंदी ईश्वर के समक्ष अति प्रभावशाली है। यदि हम कलीसिया का इतिहास पढ़ेंगे तो हमें माला बिंदी की शक्ति, उसका महत्व तथा लाभ भलीभांति प्रकट हो जाएगा। विशेष रूप से हमारे चैनल में हम अक्टूबर महीने में रोजरी माह में इन रहस्यों पर हर दिन मनन किए हैं, जरूर आप उनको भी देखकर मनन करिएगा। सन 1571 ईस्वी में तुर्की सेना में लेपांडो पर और सन 1716 ईस्वी में हंगरी पर आक्रमण किया। वहां के लोगों ने बड़े विश्वास के साथ पवित्र रोजरी बिंदी द्वारा मां मरियम से सहायता की याचना की। मां मरियम की सहायता से उन लोगों ने शत्रुओं की सेना पर विजय प्राप्त की। सन 1630 ईस्वी में बोलोनिया शहर में घोर अकाल पड़ा, जिसके कारण उस शहर का विनाश होना निश्चित था, परंतु वहां के लोगों ने पवित्र रोजरी विंदी की तो वहां अकाल टल गया। इसके अतिरिक्त माला विंदी के द्वारा जितने पापियों का मन परिवर्तन हुआ है उनकी संख्या बताना कठिन है। मां मरियम के प्रिय बच्चों, प्रतिदिन अपने परिवार के साथ माला विंदी करते रहें। यह सुंदर साधना मां मरियम को अति प्रिय है। वह प्रसन्नता पूर्वक हम पर आशीषों की वर्षा करेगी। इसके अतिरिक्त जो परिवार एक साथ प्रार्थना करता है वह कभी भी नहीं बिखरता है। आइए इन महान रहस्यों पर आधारित एक विशेष घटना पर हम मनन करेंगे। 13वीं शताब्दी में अल्बिजेंस नामक एक विरोधी दल ने कैथोलिक धर्म को नष्ट करने का विचार किया। उन्होंने अपनी गलत एवं झूठी शिक्षा द्वारा लोगों को धर्म भ्रष्ट करना चाहा, जैसे आज भी लोग करते हैं। अतः वे हर देश में विशेषकर फ्रांस में फैल गए। धर्मी एवं ईमानदार लोगों को वे अपनी गलत शिक्षा द्वारा फंसाने का प्रयास करने लगे। कई लोग तो उनके ब्रह्म जाल में फंस गए। संत डोमिनिक ने उनके दुष्ट कार्य रोकने हेतु हर संभव प्रयास किया। 10 वर्षों तक कठिन प्रयत्न करते हुए उनके विरुद्ध प्रचार करता रहा। उनके मन परिवर्तन के लिए प्रार्थनाएं की तथा कठिन तपस्या भी किया। अंत में संत डोमिनिक ने मां मरियम से प्रार्थना की। मां मरियम ने हाथ में रोजरी थामे हुए उससे दर्शन दिया और बोली, प्रिय पुत्र हिम्मत नागार, बल्कि माला बिंदी का प्रचार प्रसार कर तथा सब लोगों को यह प्रार्थना करना सिखा। इसी माला बिंदी द्वारा तेरा मनोरथ पूरा होगा। संत डोमिनिक ने मां मरियम के आदेश का पालन किया। इसके फलस्वरूप अल्बिजेंस दल का मूल से नाश हो गया। इसके अतिरिक्त कई लोगों का मन परिवर्तन हो गया तथा उन्होंने कैथोलिक विश्वास में दीक्षा ग्रहण की। आइए हमारे अभ्यास के लिए अपने साथ सदैव एक रोजरी माला रखें तथा निरंतर माला बिंदी करते रहें। आइए हम प्रार्थना करें। हे हमारे स्वर्गीय पिता, तेरे इकलौते पुत्र प्रभु येसु ने
अपने पावन दुख भोग मृत्यु और पुनरुत्थान द्वारा हमारा संपूर्ण उद्धार किया है। हम तुझसे दीनता पूर्वक विनती करते हैं कि माता मरियम की पवित्र रोसरी के रहस्यों पर मनन करते हुए उनकी शिक्षा पर चल सके तथा जिनकी वे प्रतिज्ञा करते हैं उनके योग्य बन सके। हमारी यह प्रार्थना प्रभुवर येसु के नाम से स्वीकार कर, आमेन। आइए हम पवित्र रोजरी विनती के लिए अपने आप को तैयार करें। आशीष देना ओ मां मरियम, 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 तेरे हवाले सारी राह है, आशीष देना ओ मां मरियम, आशीष देना ओ मां मरियम, आशीष देना ओ मां मरियम। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर, आमीन। हे प्रभु, हम अपने को और हमारे सभी प्रिय जनों को, विशेषकर जिनके लिए इन वेदों को चढ़ा रहे हैं, तेरे पवित्र हृदय में समर्पित करते हैं। माता मरियम और असंख्य दूतों और संतों के साथ मिलकर तेरे प्रेम में इन वेदों पर मनन चिंतन और प्रार्थना करने की कृपा हमें प्रदान कर। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो, हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा, आमीन। पिता ईश्वर की प्रिय पुत्री माता मरियम, विश्वास का गुण हमारे अंदर फलवत होने के लिए यीशु से प्रार्थना कर। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन। पुत्र यीशु क्रिस्त की प्रिय माँ, भरोसा का गुण हमारे अंदर प्रबल होने के लिए यीशु से प्रार्थना कर। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन। पवित्र आत्मा ईश्वर की प्रियतम कुआरी मरियम, पवित्र आत्मा के द्वारा ईश प्रेम हमारे हृदय में उमड़ने के लिए यीशु से प्रार्थना कर। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन। प्रेरितों का धर्मसार, मैं स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर और उसके इकलौते पुत्र अपने प्रभु यीशु क्रिस्त में विश्वास करती हूँ, जो पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भ में आया, कुआरी मरियम से जन्मा, पोंतियुस पिलातुस के समय दुख भोगा, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया और दफनाया गया, वह अधोलोक में उतरा और तीसरे दिन मृतकों में से फिर जी उठा, वह स्वर्ग में आरोहित हुआ और सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर के दाहिने विराजमान है, वहाँ से वह जीवितों और मृतकों का न्याय करने आएगा। मैं पवित्र आत्मा, पवित्र कैथोलिक कलीसिया, धर्मियों की सहभागिता, पापों की क्षमा, देह के पुनरुत्थान और अनंत जीवन में विश्वास करती हूँ, आमीन। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए,
तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा होवे, जैसे वह आदि में थी, अब है और अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन। प्रकाश के वेद, पहला भेद, यरदन नदी में यीशु का बपतिस्मा। प्रभु यीशु लगभग 30 वर्ष की उम्र में योगन से बपतिस्मा लेने के लिए गलीलिया से यरदन के तट पहुंचे। इस तरह धर्मविधि पूरी करने उन्होंने उचित समझा, क्योंकि पश्चाताप का बपतिस्मा मसीह के लिए नहीं था। वह बपतिस्मा ग्रहण करने के बाद प्रार्थना कर ही रहे थे कि स्वर्ग खुल गया, पवित्र आत्मा कपूत जैसे शरीर के रूप में उन पर उतरा और स्वर्ग से यह वाणी सुनाई दी, तू मेरा प्रिय पुत्र है, मैं तुझ पर अत्यंत प्रसन्न हूं। उस समय आत्मा उन्हें निर्जन प्रदेश ले चला, वह 40 दिन वहां रहे और शैतान ने उनकी परीक्षा ली। इस प्रकार आत्मा के सामर्थ्य से संपन्न होकर यीशु गलीलिया लौटे। प्रार्थना। हे प्रभु यीशु, तू पिता का आज्ञाकारी प्रिय पुत्र है, इसलिए पिता की इच्छा पूरी करने और शैतान के कार्य समाप्त करने तूने पिता से पवित्र आत्मा का अभिषेक ग्रहण किया। हे प्रभु, बपतिस्मा प्राप्त सभी लोगों को यह कृपा मिले कि पवित्र आत्मा से संचालित होकर शैतान की चालाकी से विजयी होवे, वे संसार की ज्योति और पृथ्वी का नमक बनकर कलीसिया की सेवा कर सके, इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। हे पिता हमारे जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसी स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में
और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा होवे, जैसे वह आदि में थी, अब है और अनंत काल तक सदा रहेगी, आमीन। हे मेरे यीशु, मेरे पापों को क्षमा कीजिए, नरक की अग्नि से हमें बचाइए, सारी आत्माओं को विशेषकर जिन्हें तेरी कृपा की अत्यंत आवश्यकता है, उन्हें स्वर्ग में ले जाइए। दूसरा भेद, काना के विवाह भोज में यीशु का पहला चमत्कार। गलीलिया के काना में एक विवाह था, यीशु, उनकी माता और उनके शिष्य भी विवाह में निमंत्रित थे। अंगूरी समाप्त हो जाने पर यीशु की माता ने उनसे कहा, उन लोगों के पास अंगूरी नहीं रह गई है। यीशु ने उत्तर दिया, भद्रे, इससे मुझको और आपको क्या, अभी तक मेरा समय नहीं आया है। इस पर माता ने सेवकों से कहा, वे तुम लोगों से जो कुछ कहें वही करना। प्रभु यीशु के कहने पर सेवकों ने पत्थर के मड़कों में पानी भरा, जिसे यीशु ने बढ़िया अंगूरी में बदल दिया। इस प्रकार यीशु ने अपनी महिमा प्रकट की और शिष्यों ने उनमें विश्वास किया। प्रार्थना। हे प्रभु यीशु, काना के विवाह में माता मरियम के आग्रह पर तूने पहला चमत्कार करते हुए अपनी महिमा दुनिया में प्रकट की। हम माता मरियम की मध्यस्थता द्वारा उन परिवारों के लिए तुझसे विनती करते हैं, जहां प्रेम, आनंद, शांति की अंगूरी खत्म हो चुकी है। अंधविश्वास, नशा और वासना के कारण परिवारों में अशांति छाई हुई है। सभी दुखित, पीड़ित और टूटे परिवारों में तेरा राज्य और तेरी इच्छा पूरी होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा, आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है,
धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा होवे, जैसे वह आदि में थी, अब है और अनंत काल तक सदा रहेगी, आमीन। हे मेरे यीशु, मेरे पापों को क्षमा कीजिए, नरक की अग्नि से हमें बचाइए, सारी आत्माओं को विशेषकर जिन्हें तेरी कृपा की अत्यंत आवश्यकता है, उन्हें स्वर्ग में ले जाइए। तीसरा भेद, यीशु ईश्वर के राज्य के आगमन की घोषणा करते हैं। योगन के गिरफ्तार हो जाने के बाद यीशु गलीलिया आकर यह कहते हुए ईश्वर के सुसमाचार का प्रचार करते रहे। समय पूरा हो चुका है, ईश्वर का राज्य निकट आ गया है, पश्चाताप करो और सुसमाचार में विश्वास करो। वे घूम घूम कर उनके सभागृहों में शिक्षा देते थे, रोगियों की चंगाई और अवधूतों से मुक्ति चिन्ह एवं चमत्कार द्वारा ईश राज्य की घोषणा की। प्रार्थना। हे पिता ईश्वर, हम प्रार्थना करते हैं कि सब सुसमाचार के सेवक सेविकाओं को यह कृपा प्रदान कर कि वे निर्भीकता से तेरा वचन सुनाएं और पापियों को पश्चाताप के राह दिखाए। सब सुसमाचार केंद्रों और प्रचारकों के लिए हम प्रार्थना करते हैं। हे हमारे पिता, जो स्वर्ग में हैं, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए,
तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा होवे, जैसे वह आदि में थी, अब है और अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन। हे मेरे यीशु, मेरे पापों को क्षमा कीजिए, नरक की अग्नि से हमें बचाइए, सारी आत्माओं को विशेषकर जिन्हें तेरी कृपा की अत्यंत आवश्यकता है उन्हें स्वर्ग में ले जाइए। चौथा भेद, यीशु का रूपांतरण। प्रभु यीशु प्रार्थना करने पेत्रुस, याकूब और योगन को अपने साथ लेकर ताबोर पहाड़ पर चढ़े। प्रार्थना करते समय उनका मुख मंडल सूर्य की तरह चमक उठा और उनके वस्त्र प्रकाश के समान उज्जवल हो गए। शिष्यों को मूसा और एलियस उनके साथ बातचीत करते दिखाई दिए, जो महिमा सहित प्रकट होकर यरूशलेम में होने वाली उनकी मृत्यु के विषय में बातें कर रहे थे। पेत्रुस ने यीशु से कहा,
गुरुवर, यहां होना हमारे लिए कितना अच्छा है। हम तीन तंबू खड़ा कर दें, एक आपके लिए, एक मूसा और एक एलियस के लिए। तब तक एक चमकीला बादल उन पर छा गया और बादल में से यह वाणी सुनाई पड़ी, यह मेरा परम प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। वाणी समाप्त होने पर यीशु के सिवा और कोई नहीं दिखाई पड़ा। प्रार्थना। हे प्रभु यीशु, ताबोर पहाड़ पर तेरा रूपांतरण महिमा में अनंत जीवन की पूर्वाभास था। पेत्रुस ने उस आनंद शांति में वहां रहना चाहा, लेकिन तू दुख कष्ट क्रूस और मृत्यु से होकर उस महिमा तक पहुंचने के लिए पहाड़ से उतरा। हे प्रभु यीशु, हमें वचन के श्रोता ही नहीं बल्कि उसके पालनकर्ता भी बनाइए, ताकि तेरा वचन हमारा रूपांतरण कर हमें सच्चा क्रिस्तीय बना दे। सब पापियों के मन परिवर्तन के लिए हम प्रार्थना करते हैं। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ,
प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो गई जैसे वह आदि में थी अब है और अनंत काल तक सदा रहेगी आमीन। हे मेरे यीशु, मेरे पापों को क्षमा कीजिए, नरक की अग्नि से हमें बचाइए, सारी आत्माओं को विशेषकर जिन्हें तेरी कृपा की अत्यंत आवश्यकता है उन्हें स्वर्ग में ले जाइए। पांचवा भेद, पवित्र यूक्रिस्त की स्थापना। प्रभु यीशु क्रिस्त अपने प्रेरितों के साथ पास्का भोजन करने बैठे और उनसे कहा, मैं कितना चाहता था कि दुख भोगने से पहले पास्का का यह भोजन तुम्हारे साथ करूं। प्रभु ने भोजन करते समय रोटी ली और धन्यवाद की प्रार्थना पढ़ने के बाद उसे तोड़ा और यह कहते हुए शिष्यों को दिया, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए दिया जा रहा है, यह मेरी स्मृति में किया करो। इस तरह उन्होंने भोजन के बाद यह कहते हुए प्याला दिया, यह प्याला मेरे रक्त का नूतन विधान है, यह तुम्हारे लिए बहाया जा रहा है। प्रार्थना। हे स्वर्ग से उतरी हुई जीवंत रोटी प्रभु येसु, तेरा मांस हमारा सच्चा भोजन है और तेरा रक्त सच्चा पेय। जब हम तुझे खाते हैं तो हम तुझ में और तू हम में निवास करता है और हमें तुझ से जीवन मिलता है। हे प्रभु, हमारा विश्वास बढ़ा दीजिए कि हम पवित्र रोटी में तुझे पहचान सके। अंधकरण की परीक्षा करने के बाद योग्य रीति से ही तुझे हम ग्रहण करें। हमारे सभी पुरोहितों के लिए और हमारे परिवारों से बुलाहट के लिए इस भेद को अर्पित करते हैं। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है,
धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा होवे, जैसे वह आदि में थी, अब है और अनंत काल तक सदा रहेगी, आमीन। हे मेरे यीशु, मेरे पापों को क्षमा कीजिए, नरक की अग्नि से हमें बचाइए, सारी आत्माओं को विशेषकर जिन्हें तेरी कृपा की अत्यंत आवश्यकता है उन्हें स्वर्ग में ले जाइए। प्रणाम रानी, प्रणाम रानी, दया की माँ, हमारा जीवन, हमारी मधुरता और आशा तुझे प्रणाम। हम हेवा की निर्वासित संतान तुझे पुकारते हैं। हम इस दुखपूर्ण संसार में रोते और विलाप करते हुए तेरा नाम लेते हैं। हे हमारी माता, कृपया हम पर दया दृष्टि कर और हमारे इस निर्वासन के बाद अपने गर्भ का पवित्र फल यीशु हमें दिखा। हे दयालु, हे प्रेममयी, हे मधुर कुमारी मरिया, आमीन। हे ईश्वर की पवित्र माँ, हमारे लिए प्रार्थना कर कि हम क्रिस्त की प्रतिज्ञाओं के योग्य बन जाएं। हम प्रार्थना करें। हे पिता, तेरे इकलौते पुत्र ने अपने जीवन, मृत्यु एवं पुनरुत्थान से हमारे लिए अनंत जीवन प्राप्त किया है। हम तुझसे विनती करते हैं कि पवित्र कुंवारी मरियम की अति पवित्र माला के इन भेदों पर मनन करते हुए जो कुछ वे सिखाते हैं हम उनका अनुकरण करें और जिनकी वे प्रतिज्ञा करते हैं उनको प्राप्त करें, उन्हीं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। अपने हाथों को जोड़कर अपनी आंखें बंद करके हम कुंवारी मरियम की स्तुति विनती में सहभागी होवे। Hey,
करो माँ। सृजनहार प्रभु की माँ, विनती करो माँ। तारणहार प्रभु की माँ, विनती करो माँ। पावन कलीसिया की माँ, विनती करो माँ। भक्ति के हे उत्तम पार,
करो मां। न्याय दिलाई प्रेमी मां, विनती करो मां, विनती करो हे मरियम माता भक्तों के लिए, विनती करो हे मरियम माता प्रार्थना करें। हे प्रभु ईश्वर, कृपा करके अपने इन सेवकों को सदा तन मन से स्वस्थ रहने का आनंद प्रदान कर, और नित्य कुंवारी मरियम की प्रार्थना द्वारा हमको इस लोक के दुख से मुक्त होकर आनंद सुख भोगने दे। क्रिस्त हमारे प्रभु के द्वारा, आमीन। याद कर विनती, याद कर हे परम दयालु कुमारी मरियम, कि यह कभी सुनने में नहीं आया
कि कोई तेरी मदद मांगने और तेरी विनतियों की सहायता खोजने तेरे पास आया और तुझसे असहाय छोड़ा गया हो। हे कुंवारियों की कुंवारी, हे मेरी माँ, इसी आश्रय से मैं तेरे पास दौड़ आता हूँ और कराहते हुए पापी के रूप में तेरे सामने खड़ा हूँ। हे ख्रिस्त की माँ, मेरी विनती को अस्वीकार मत कर, पर दया से उसको सुन और पूरा कर। आमीन। विशेष आशीष के लिए सिर झुकाए। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। ईश्वर के पुत्र ने धन्य कुंवारी मरियम से जन्म लेकर मानव जाति का उद्धार किया। वही ईश्वर आप लोगों को प्रचुर मात्रा में आशीष देता रहे। आमीन। जिन धन्य कुंवारी के द्वारा आप लोगों को जीवन के अधिपति प्राप्त हुए, उन्हीं के संरक्षण का अनुभव आप लोग सदा और सर्वत्र करते रहे। आमीन। आप लोग भक्ति भावना से भरकर आज पवित्र रोजरी विंदी किए हैं, इसलिए आध्यात्मिक आनंद और स्वर्गीय पुरस्कार भी प्राप्त कीजिए। आमीन। सर्वशक्तिमान ईश्वर, पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा का आशीर्वाद आप लोगों पर उतरे और सदा बना रहे। आमीन। आशीष देना ओ माँ मरिया, 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 तेरे हवाले सारी राह है। आशीष देना ओ माँ मरिया, आशीष देना ओ माँ मरिया, आशीष देना ओ माँ मरिया। बच्चों पर आस हमारी, तब चरणों पर रखना ध्यान माँ, निज बच्चों पर आस हमारी, तब चरणों पर सांझ सवेरे तुझको पुकारे, सांझ सवेरे तुझको पुकारे, जीवन सारा तुझ पर वारे। आशीष देना ओ माँ मरिया, आशीष देना ओ माँ मरिया, आशीष देना ओ माँ मरिया, आशीष देना ओ माँ मरिया। सुख है तेरा सबका दाता, जीवन देता विश्व विधाता, सुख है तेरा सबका दाता, जीवन देता विश्व विधाता, शरण तिहारी आए हैं माँ, शरण तिहारी आए हैं माँ, दान दिलाना
प्राग दिखाना, आशीष देना ओ माँ मरिया, 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 तेरी नवाए सारी राहें, आशीष देना ओ माँ मरिया, आशीष देना ओ माँ मरिया, आशीष देना ओ माँ मरिया।